मेरे परिवारजनों, मेवाड़ के इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं और हम गुजरात वालों को तो उदयपुर ऐसा लगता है जैसे हमारा ही घर है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को भी हुआ है। माणिकगढ़ धाम के सैकड़ों गुमनाम वीरों के साथ इस मेवाड़ी मिट्टी की महक अब दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में भी रच बस गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय बीजेपी ने ही किया है। ये दिवस उन करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित है जिसे कांग्रेस ने बार बार इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उसने आदिवासियों के कल्याण को कभी प्राथमिकता नहीं दी, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है। पिछले 9 वर्ष में 1,30,00,000 आदिवासी घरों में नल से जल पहुंचा है। भाजपा सरकार ने 1,50,000,000 आदिवासियों के घर में शौचालय भी बनाए हैं। करीब 1,00,000 आदिवासी भाई बहनों को भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी दिया है। हमारे आदिवासी समाज की बहुत बड़ी ताकत उनके पास मौजूद पशुधन होता है। उनके पशुधन सुरक्षित रहे इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके पशुओं का टीकाकरण करवा रही है। जैसे कोविड के समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोविड का वैक्सीन दिया गया। आपको वैक्सीन लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? क्या 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? जैसे मैंने इंसानों के लिए किया है वैसे ही पशुओं के लिए मुफ्त वैक्सीन के पीछे 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गरीब आदिवासी पशु को बचा सके। एक समय था जब सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी मिल रहा है। वन धन विकास केंद्रों के जरिए अब इस वन उपज को नए बाजार भी मिल रहे हैं। जनजातीय समाज के हमारे बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हमारी सरकार ने राजस्थान में 30 एकलव्य स्कूल भी खोले हैं।